तो बच्चों, एक बार फिर आपका विनिंग एज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों, हम लोगों ने 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। लेकिन उसका मैंने कहा था कि अभी जो हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, उसका भी एक पार्ट बाकी है। और बच्चों, इसे करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज उसी चरण को हम पूरा करेंगे, खत्म करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपने अब तक अपने पीछे छोटी क्लासों में सीखा है उन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन है। और सीखने के बाद आपको बड़ा इजी लगेगा। ये पहले क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बहुत ही सरल इजी होना शुरू हो जाएगा। जैसे अब तक हमने पढ़ा था कि भाई मान लीजिए 7π/4 रेडियन है, ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपने तुरंत बोल लिया भाई कि हाँ जी विन कि नाउ आपने कह दिया कि 1 रेडियन जो होता है वो 180/π होता है, और 7π/4 को आपने क्या किया, 180/π इंटू में 7π/4, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये कैंसिल होगा 45, और मल्टीप्लाई कर दिया। यही है, तो 7π/35, 3 28, और ये 315 डिग्री आ गया। तो आपने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन बच्चों, अब ऐसा नहीं होगा। ये तो बहुत इजी सा था, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब जो आपके सामने रेडियन आने जा रहा है वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है। वो बच्चों कुछ इस प्रकार का है। मान लीजिए 4 रेडियन है, ये 4 रेडियन दिया हुआ है, और कहा गया आपसे कि चलिए इसे डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। 4 रेडियन को किसमें कन्वर्ट कीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो बच्चों, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत रेयर चांसेस में ही पूरे पूरे कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे पूरे कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि डिग्री के बाद, अब जैसे यहां पे 7π/4 तो कट के डिग्री में आंसर आ गया, लेकिन इनका इनका आंसर कभी भी डिग्री में नहीं आता, डिग्री से थोड़ा ऊपर जाता है। तो डिग्री के बाद, क्योंकि बच्चों हम ना डिग्री को आर्स में लेके चलते हैं, हम यही मान के चलते हैं कि जो डिग्री है ना वो पूरा एक आर है, यानी 1 डिग्री बराबर 1 आर, 2 डिग्री बराबर 2 आर, 3 डिग्री बराबर 3 आर, तो इसलिए 200 डिग्री बराबर 200 आर, इस तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन इसके बाद अगर फिर भी कोई वैल्यू इंक्रीज होती है, तो आपको पता आर से छोटे पे कहाँ आते हैं भाई, हम मिनट पे, तो हम मिनट में आ जाते हैं। और मिनट से भी छोटा अगर हम आ जाए तो कहां पर, सेकंड। अब सेकंड से छोटे की बात करोगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सेकंड से आगे बढ़ते नहीं है, ठीक है। तो जरा इस 4 रेडियन को देखिए कि कैसे हम लोग डिग्री पे जाएंगे, और अगर डिग्री पे खत्म नहीं होता है क्वेश्चन तो हम मिनट पे जाएंगे, मिनट पे भी खत्म नहीं होता है तो हम लोग सेकंड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, सेकंड पे जाएंगे, ठीक है। और अगर सेकेंड पे पूरा पूरा कट जाता है तो ठीक, नहीं कटता है तो हम उसके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिख देंगे। तो चलिए, जैसे कि आपके पास ये 4 रेडियन है, अब इस 4 रेडियन को सबसे पहले हमें एक बात पता है, वी नो दैट, हमें एक बात पता है कि भाई 1 रेडियन जो होता है वो क्या होगा, 180/ में क्या, 180/ में पाई, क्या होगा, 180/ में पाई। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें 1 रेडियन की वैल्यू नहीं, 4 रेडियन की वैल्यू निकालनी है। तो 180/ में पाई इंटू में क्या, 4, ठीक है। अच्छा, पहले तो क्या हो रहा था कि पाई से पाई कट जा रहा था, लेकिन यहां तो पाई से पाई कटने की कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इस पाई को ओपन करके लिख देंगे 22/7, ठीक है। अब आप इसको पलट दीजिए, आप जैसे ही इसको पलटेंगे तो 7 ऊपर 22 नीचे, कैंसिल आउट कीजिए 2, कैंसिल आउट कीजिए 11, अब तो कुछ नहीं कट रहा। 4 रेडियन बराबर 1, 360 × 7/11, अब मल्टीप्लाई कीजिए 0, 2, 4, 21, 25। तो बच्चों, मल्टीप्लाई करके हमने ये किया, 4 रेडियन बराबर 225, वो 2520/11 डिग्री। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते भाई, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई 2520/11 डिग्री, ये तो बोलने में कितना अजीब सा लग रहा है, आज तक आपने ऐसा बोला नहीं। तो हमें इसको पहले डिग्री में बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, छोटा सा काम हमें करना है, यहाँ पे डिवीजन। तो 2520 को 11 से डिवाइड कीजिए, 2520 को 11 से डिवाइड कीजिए, तो 11 दूनी 22, 3 2 नीचे, फिर 11 दूनी 22,
10 नीचे, फिर 0, 11, निम्न निन्यानवे, बच गया बच्चों एक। तो क्या आया आपका आंसर यहां ऊपर? 229। तो बच्चों जो आपका आंसर आया ना, वही आपकी डिग्री है, वही आपकी क्या है? डिग्री। लेकिन मैंने आपसे क्या बात कही थी कि अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हम क्वेश्चन को मिनट में या सेकंड में लेके जाएंगे। तो चलिए, अब ये पूरा पूरा डिवाइड तो हुआ नहीं, बच क्या गया? वन। बच क्या गया? वन। किससे डिवाइड करते हुए? 11 से डिवाइड करते हुए। तो बच्चों अब इस डिग्री वाले केस को मैंने बताया था कि डिग्री को हम आर से लेते हैं, तो आर से छोटे में जाएंगे, तो आर से छोटा क्या होता है? आर से छोटा होता है मिनट। और आर को मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों? हमें इसे 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 229 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, 61 जा 60 अपॉन में 11। अब आपको पता है कहानी क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है। तो चलिए 60 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 वन जा इल, वो सॉरी 11 फाइव जा 55, तो कितना आ गया? 5। तो क्या आंसर आया? 5। तो जो भी आपका आंसर आया बच्चों, तो 229 डिग्री तो है ही। अब जो आपका आंसर आ गया ना यहां पर, वो आपका हो गया मिनट। वो आपका क्या हो गया भाई? मिनट। वो क्या हो गया? मिनट। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मिनट पे भी पूरा पूरा ना कैंसिल हो तो हम फिर से कैसे करेंगे? अब सेकंड में जाएंगे, तो सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे? जो नीचे बचा उसे यहां ऊपर लिखो, जिससे डिवाइड किया उसे नीचे लिखो। तो ये आ गया भाई आपका 229 डिग्री 5 मिनट। लेकिन अब हमें किस में जाना है? सेकंड में। तो आप अच्छे से जानते हो कि मिनट को सेकंड में कैसे लेके जाते हैं? 60 से मल्टीप्लाई। और जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 300 अपॉन में 11। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोबारा डिवाइड। 300, 222, 8, 0, 7, 77, तो ये कैंसिल आउट के होके 3। तो लो बच्चों, अब भी आंसर क्या आया? 27 तो आ गया, लेकिन कंप्लीट नहीं आया, अभी भी कुछ ना कुछ बच गया, अभी भी कुछ ना कुछ बच गया। तो इसका मतलब आंसर आएगा अप्रोक्स। तो अब आता है कि आंसर अप्रोक्स कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, कि अप्रोक्स लिखने में भी गलती कर देते हैं, तो कैसे लिखा जाए? तो बच्चों अप्रोक्स लिखने का तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को। हमेशा आपको क्या करना है, आप पहले ये देखो आप डिवाइड किससे कर रहे हो। आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 11 से। तो अब आपको क्या देखना है, 11 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो तुरंत आप 11 का हाफ सोच लो कितना होता है। तो 11 का हाफ होता है 5.5, यानी 5.5। तो बच्चों अगर आपको वैल्यू वैल्यू अप्रोक्सीमेट में करेक्ट लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको देखना है रिमाइंडर। आपको क्या देखना है? रिमाइंडर, कि अगर आपका रिमाइंडर 5.5 से यानी 5.5 से छोटा है तब तो जो आपका आंसर आया वही लिख दो, और अगर आपका रिमाइंडर 5.5 5.5 से बड़ा है तो जो भी आपका आंसर आया है उसमें एक इंक्रीज कर दो, मतलब 27 की जगह 28 कर दो। तो अभी आपके पास यहाँ पे क्या है? 3, और 3 जो होता है 5.5 से कम होता है, 5.5 से कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 4 रेडियन की वैल्यू लिखेंगे, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। सेकेंड में 2 बार डैश लगाते हैं, और यहां पे लिखेंगे अप्रोक्स। यहां पे क्या लिखेंगे? अप्रोक्स। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो इस तरीके से हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात बच्चों? अच्छा, अगर यहां पे मैं एक बात और बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मान लीजिए यहां पे -4 रेडियन भी पूछा होता ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस माइनस माइनस यहां पे करते चले जाओ, यहां पे माइनस ऐसे करते चले जाओ, सेम यही काम करते चले जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी माइनस आ गया तो क्या करें, बस ऐसे माइनस भी करते चले जाओ, खत्म कहानी। ठीक है, तो चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए तो अब मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी का, ताकि आपको भाई लगे ना कि ऐसा कि ये बहुत ज्यादा टफ हो गया। ठीक है, तो ये 4 रेडियन का हो गया, समझ में आ गया? ठीक, नहीं आया एक और देखो। एक और देखो, मान लीजिए मैं ले लेता हूं क्या 7 रेडियन ले लूं? चलिए, वी नो दैट भाई 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, तो 7 रेडियन कितना होगा बच्चों?
सेवन रेडियन होगा 180 अपॉन पाई इंटू सेवन, तो 180 और ये कितना 22/7 पलट जाएगा, 187 इंटू सेवन और 22, टू से कैंसिल आउट, 11 90, 90 इंटू में 49 11, 0 9 में 81, 1 रह गया 8, 36 और 8 हो गया 44, तो ये आ गया बच्चों 11, तो 4410 ठीक है बटा 11, तो इतने रेडियन में ये आया। लेकिन आपको पता ही है फ्रैक्शन में तो लिखते नहीं, तो क्या करेंगे डिवाइड, तो कीजिए बच्चों डिवाइड कीजिए, 4410 का 11 तो 4 कट गया, ये तो पूरा ही कट गया, 1 0 ना जाने की फिर से 0, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, डिवाइड करना आता है ना सभी को, ध्यान से देखना ये। हाँ तो क्या करेंगे बच्चों, 400 डिग्री, ध्यान से सुनना, अगर नहीं आया समझ में दोबारा देख सकते हो बच्चों कि मैंने ये डिवाइड कैसे किया, 11 से कर रहे थे, 11 4 जा 44 कैंसिल आउट, बच्चों सारा कुछ कट गया, अब यहाँ पे 1 उतरा, 1 नीचे लेकर आए तो डिवाइड तो हो जा नहीं पा रहा, तो इसलिए एक और 0 लगाएंगे, समझ में आ रही है बात। अच्छा अब एक और 0 लगाने की वजह से हम इसको भी उतारेंगे यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, इसको उतार दिया फिर भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो फिर से एक और 0 लगाएंगे, तो अब आगे तो बढ़ नहीं सकता, तो बस यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये आपकी डिग्री कितनी आ गई, 400 डिग्री, लेकिन रिमाइंडर कितना बच गया, 10/11, अब पूरा कैंसिल आउट तो हुआ नहीं, अब जब पूरा कैंसिल नहीं हुआ है तो हम डिग्री को क्या मानते हैं, आवर्स, और आवर्स को किस में लेके जाएंगे, हम मिनट में, और मिनट में कैसे लेके जाते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, तो 7 रेडियन 400 डिग्री 600/11, अब आपको 600 डिवाइड करना तो आता ही होगा 11 से, 11 5 55 5 और ये नीचे उतरा 0, 11 4 44 कितना उतरा 6, तो बस हो गया काम। हाँ जी 7 रेडियन 400 डिग्री, मिनट कितना आ गया 54, लेकिन अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में लेके जाएंगे कैसे, 6/11, अब इसे हम सेकंड में जब लेके जाएंगे तो मिनट को बच्चों सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, 6 6 36 360/11, चलिए अब 360 को डिवाइड कीजिए 11 से, तो 11 3 33 3 0, 11 2 22 बच गया 8, हाँ जी तो क्या करें जल्दी बताओ, अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 5.5 से ज्यादा, तो 5.5 से ज्यादा आ गया, तो 32 की जगह क्या उठाएंगे हम, 33, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, 54 मिनट 33 सेकंड अप्रोक्स, तो बच्चों इतना सा काम करना था हमें बस, और ये काम खत्म, तो इस तरीके से है बच्चों क्वेश्चन, समझ में आ रही बात ठीक। अच्छा एक और क्वेश्चन अगर मैं लूँ, मान लो 11/16 रेडियन है ठीक है जी, इतना रेडियन दिया हुआ है आपको, अब इसको कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे आप सभी, तो सेम वही केस, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई ठीक है, तो 11/16 रेडियन 180 अपॉन में पाई इंटू 11/16, तो 180 अपॉन में ये पाई है बच्चों, तो 22/7 पलट जाएगा ऊपर, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ठीक, तो 11 2 22 ठीक है, और ये 2 से काटेंगे तो 90 ठीक, और कुछ भी, ये आ गया, ये आ गया फिर कितना 90 इंटू में 7 ठीक है, और 16 तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना 8, 2 से काटेंगे 45, तो 45 7 ठीक है, 45 7 कितना आ गया, 7 5 35 का 5 रह गया 3, और 4 3 7 4 28 और 3 28 3 31 315/8, अब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं कि भाई इसका क्या डिग्री है कितना मिनट है ठीक है, तो डिग्री मिनट में आंसर इसका निकालेंगे, तो आप इसको सॉल्व कीजिए ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है, तो इसी के साथ आपका रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का टॉपिक हो गया फिनिश। घर से आपको 4 रेडियन का तो कर दिया ना, 5 रेडियन 6 रेडियन है ना ठीक है, और क्या बस इतने ही बहुत है, 8 रेडियन करके ले आना, ये 3 क्वेश्चन, 5 रेडियन 6 रेडियन 8 रेडियन ठीक है बच्चों, चलो तो ये कर लो, और इसके बाद अब मैं 10th के कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आप लोगों को ठीक है, तो वो और कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं ठीक है।